चुनौती का सामना करना ही जा करके परिपक्व होता है। हमेशा हम लोग चुनौती का सामना करते आए हैं, भाषा से लेकर खतियान का आंदोलन, उससे जा करके 60-40 से लेकर के CGL में पेपर लीक, हमेशा जब जब जाते हैं हमेशा हर रास्ता में जो है कि हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अमीर झारखंड है और हम लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं, यहाँ के रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो सब कोई जो है कि इतना साल में जागरूक हो गया। यार अभी झारखंड में जो है चुनावी माहौल चल रहा है और विगत 2 वर्षों से अगर देखें तो झारखंड में एक नया पार्टी JBK से इसका उदय हुआ था, उसके बाद अभी उसका नाम जो है चेंज हुआ है JLKM, उसका प्रत्याशी जो है कुछ कुछ चयनित कर लिया गया है। अभी हम तमाड़ विधानसभा के अंदर हैं और तमाड़ विधानसभा का कैंडिडेट जो है दमंती मुंडा जी हैं, जो JBKSS के केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वो जो है तमाड़ विधानसभा से फाइट करेंगी। कितना ज़्यादा चुनौती होगा, किन किन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ेंगी, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। दीदी सबसे पहले जोहार, आपको JBKSS की तरफ से जो है टिकट आवंटन किया गया है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कुछ माहौल है अभी, क्योंकि तमाड़ विधानसभा में अगर आसू की बात करें, JDU की बात करें, तमाम पार्टियां जो है यहां पे अपना शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, आपका क्या तैयारी है? सर माहौल जो है कि बढ़िया है, हम लोग का पॉजिटिव ही माहौल है, क्योंकि सबने सबका कार्यकाल को देखा है। अभी तक जो हमारे सिटिंग विधायक माननीय विकास मुंडा जी हैं, उनका भी 10 साल का कार्यकाल लगभग अब पूरा ही होने जा रहा है, तो उनका कार्यकाल सभी कोई देख चुके हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, हमारे पूर्व विधायक जी लोग हैं, उनका भी सब कोई अपना कार्यकाल को देख चुके हैं, कितना यहाँ का जन समस्या को विधानसभा में रखते हैं, किस किस मुद्दा पे वहाँ पे चर्चा करते हैं, ये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने देख चुका है। इसलिए इस बार लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और बदलाव पूरा झारखंड में बदलाव चाह रहा है कि इस बार झारखंडी को अपना हक अधिकार मिले, झारखंडी को अपना पहचान मिले। और ये हम लोग का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासियों के लिए भी जो संरक्षण करने का जो नियम कानून है, जैसे समता जजमेंट हो गया, पेशा कानून हो गया, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग का 13 जिला है, इस सभी में जो है कि आदिवासियों को उनकी धर्म संस्कृति के साथ साथ उनका जो अधिकार है, गाँव में जो ग्राम का जो स्वशासन व्यवस्था है ये अच्छा से बाहुल हो, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र एक रिजर्व सीट है, ST सीट है, हमारे यहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। तो सभी को यह कहना है कि हम लोग को जो है, हम लोग का आज तक ग्राम सभा का शक्ति सही से बहाल नहीं हुआ है, ना हमारे यहाँ पेशा कानून शक्ति से लगा हुआ, जिसके चलते जिसको जो मन कर जा रहा है, हमारे ज़मीन को कोई कब्जा कर ले रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। ये जब तक हम लोग को ग्राम सभा से ये शक्ति को, जब तक कानून तो बना हुआ है, 1996 में आपका पेशा कानून बना है, आप लोग का यहाँ पंचायत चुनाव भी 2010 से हो रहा है लगातार, लेकिन ना पंचायत के जनप्रतिनिधियों को उनका 29 अधिकार दिया गया है, ना ग्राम सभा में जो शक्ति है वो प्राप्त है। इन सभी को लेकर के सभी कोई नाखुश हैं, चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव आए। क्या लगता है कि चुनौतियाँ तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि वर्तमान विधायक हैं, फिर से जो है पूर्व के विधायक होंगे, मंत्री होंगे, तो आप पहली बार जो है विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हैं इस चीज़ को? देखिए चुनौती का सामना करना ही जा करके परिपक्व होता है, हमेशा हम लोग चुनौती का सामना करते आए हैं, भाषा से लेकर खतियान का आंदोलन, उससे जा करके 60-40 से लेकर के CGL में पेपर लीक, हमेशा जब जब जाते हैं हमेशा हर रास्ता में जो है कि हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ता है। तो सभी कोई ये सबको देख चुके हैं, क्योंकि माँ को सम्मान तभी मिलेगा जब उसका बेटा को अधिकार मिलेगा, उसका बेटा को सम्मान मिलेगा, उसका बेटा को रोजगार मिलेगा, बहन का सम्मान तभी होगा जब उसका भाई का सम्मान दिया जाएगा, वो रोजगार में होंगे, वो नियोजित होंगे, पति का भी सम्मान तभी हो सम्मान मिलेगा तब जाके पत्नी को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो चुनावी के समय में जो कुछ कुछ सरकार के तरफ से योजना नई लेकर के आ रहे हैं, उससे कोई भी बरगला नहीं रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं कि ये अभी क्यों दिया जा रहा है, देना ही था। तो सरकार का जब कार्यकाल शुरू हुआ 2020-19 का, तो अंतिम में चुनाव ही हुआ था, 2020 से हम लोगों को देते बकाया जो अभी 4 साल का है वो बकाया राशि भी दे, तब जा करके हम लोग सोचेंगे कि हाँ सरकार बखूबी काम कर रहा है। चुनाव से 2-3 महीना पहले अगर कोई योजना ला करके हम लोग को लाभान्वित करते हैं तो ये जनता ठगाने वाला नहीं है, जैसे कृषि ऋण मुक्त, बिजली भी मुक्त, ये सब भी ला रहे हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कृषि ऋण मुक्त नहीं चाहता है, कृषि सिंचाई व्यवस्था चाहता है, केनल का सुविधा है लेकिन सब जगह नहीं है, जहाँ पे नहीं है उस जगह पे डीप बोरिंग करके कुछ एकड़ में पानी का सुविधा इस तरह किया जाए कि दोहरी फसल हो, ये यहाँ के किसान चाहते हैं। और ये सब आज
तक हुआ नहीं है, इसलिए किसान को सिर्फ पेंशन देने से ये लोग खुश नहीं होंगे, इनका खेत में पानी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि वर्तमान विधायक ने वो सारे काम नहीं किए हैं जिन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? क्या मुद्दा रह रहा है जो इन तमाम क्षेत्र में नहीं हुआ है उस चीज़ों को करने के लिए विधायक का जो है? देखिए, विधायक जी का जो कार्यकाल रहा, बहुत उम्मीद के साथ किसी को भी विधायक बनाते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे मतदान करने वाले मतदाता भी लगभग 3 लाख के ऊपर रहते हैं, तो देखिए इन सभी को मत देते हैं, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो लोग जा करके सरकार बनते हैं। तो हम लोग सोचते हैं जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया सरपंच हो, चाहे विधायक और सांसद हो, जनप्रतिनिधि का मतलब है कि दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनना, और विधायक और सांसद का तो है कि उनके लिए कानून बनाना। मुखिया तो देखिए एक पेंशन राशन जो भी है पंचायत स्तर प्रखंड स्तरीय जो लाभ देना है उनका काम है, लेकिन विधायक और सांसद के पीछे रहता है कि वो क्या कानून बनाएंगे। सांसद कानून बनाएंगे और कानून को जा करके हमारे राज्य सरकार के मंत्री और विधायक उसको नीति नियम के साथ धरातल में लागू करेंगे। इस विषय पर उन्होंने किया नहीं। यहाँ का जो जनमुद्दा बहुत सारा जगह पर होता है, हमारे सामने में एकलव्य आवासीय विद्यालय है, ये आवासीय विद्यालय उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के द्वारा ही इसको खोला गया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग स्कूल को खाली देखते हैं बाहर से, हमारा बच्चा अंदर में नहीं पढ़ता है। एक या दो अपना पूरा विधानसभा क्षेत्र का एक या दो का बच्चा केवल पढ़ते हैं, बाकी बच्चा दूसरे जिला से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है सभी को क्या कि हमारा क्षेत्र में जब अगर एकलव्य आवासीय विद्यालय खुला है तो कम से कम 50% बच्चा को तो यहाँ पर नामांकन किया जाए, तब तो हम लोग चाहेंगे कि हाँ हमारे दरवाजा में स्कूल खुला है तो यहाँ के लोगों को लाभ मिले। ये सब कभी किए नहीं है, जिसको लेकर के भी लोग परेशान होते हैं। इधर आए तो आपको रास्ता भी दिखाई दिया होगा किस तरह से यहाँ पे सड़क का जर्जर स्थिति है। देश आज़ाद हुआ हम लोग का 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से लेकर के 75 साल से ज़्यादा हो रहा है, तब भी हम लोग बुनियादी सुविधा को लेकर तरस रहे हैं। यहाँ पे सड़क नहीं है, सड़क अभी के ज़माने में सब जगह सड़क पहुँचने की आवश्यकता है इतना साल के बाद, तब भी देखिए सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कोई अगर अच्छा स्कूल से अगर बच्चा को भी अगर पढ़ना चाहे तो स्कूल बस का आगमन नहीं है, कोई खुद निकल नहीं पाते हैं बरसात के दिन में। तो फिर ये सब समस्या यहाँ के लोगों का है, और इस सब का निदान करने के लिए अगर, और हम लोग का राज्य जो है कि गरीब तो है नहीं, खनिज संपदा से भरा हुआ है, जब भी कोई सांसद और विधायक के पास छापा पड़े तो उनके पास करोड़ों क्या अरबों का पुष्टि होता है, सब देख ही रहे हैं। क्या बोलते हैं, सांसद चाहे मंत्री उनके सचिव का हो, चाहे तो उनके पीए का हो, चाहे उनके घर में भी कोई कार्य करते हैं, उनके पास आपका इतने इतने राशि होते हैं। तो हम लोग का झारखंड जो है अमीर झारखंड है, और हम लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं, यहाँ के रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो सब कोई जो है कि इतना साल में जागरूक हो गया है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है चुनावी माहौल काफ़ी तेज रहने वाला है, जिस तरह से त्रिकोणीय एक चौथा स्तंभ की तरह आप जो है जैविक खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे उस माहौल हमारे लिए ठीक है? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों के हिसाब से काम नहीं किए, इनके साथ में केवल छलावा हुआ है, इसलिए सभी को चाहते हैं बदलाव, बदलाव आएगा। और ये लोग चाहते हैं एक पढ़े लिखे एक अच्छा ईमानदार एक साधारण परिवार से, हम लोग का जैसे है किसान मजदूर परिवार की बहू बेटी आए, आज तक हमारे तमाड़ में कभी भी महिला विधायक नहीं बने हैं। तो इन लोगों का कहना है कि अगर महिला रहेंगी तो हमारे साथ अगर कभी कुछ होता है, कभी कभी अगर पुरुष वर्ग के रहते हैं तो उनके साथ हमें बातचीत करने में असहज महसूस होता है, आप आकर के हमें एक शक्ति मिलेगा, आपके साथ बात करने में अपनापन मिलेगा, इसलिए हम लोग आपको चाहते हैं। इस तरह का लोगों का विचार है, यहाँ की दीदियों का विचार है। तो मतलब यहाँ पूरी तरह से जो है अपना जो है फील्ड बना रहे हैं। जी जी, ये तो फील्ड देखिए पहले से ही हम लोग का काम चल रहा है, जन जागरूकता कर ही रहे थे कि ये बदलाव चाहिए, और उसी में टिकट भी हम ही को मिल गया है, तो लोगों का भी मैं उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि हमारे दीदी आए और हम लोग इस बार बदलाव की ओर जाएंगे। टक्कर किससे होगा, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? टक्कर में सर हम लोग के यहाँ पे अभी कोई नहीं है, किसको हम टक्कर में कहेंगे, कोई नहीं है, सबका स्थिति खराब है, क्योंकि 10 साल से लोग हम लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दर्शन नहीं पाए हैं, तो लोग अब चुनाव के समय में देख करके उनसे सुख दुख नहीं बताएंगे, उनको आक्रोश दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।